नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी कि एनटीपीसी परीक्षा के परिणाम को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को बिहार बंद का ऐलान कर बिहार बंद कर दिया है। सभी मांगे मान लिए जाने के बाद भी छात्र बिहार बंद कर रहे हैं और सभी विपक्षी दलों को इनका साथ मिला है। जानकारी के मुताबिक राजनीतिक दलों ने इस बंद को हाईजैक कर लिया है। छात्र पीछे रह गए हैं और विपक्षी दल जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी प्रमुख रूप से शामिल है। रेलवे ने कहा है कि वो सभी ट्रेनों की नियमित आवाजाही करेगा, लेकिन आशंका है कि छात्रों के प्रदर्शन के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित हो सकती हैं और आम आदमियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं अगर पूरे मामले की बात करें तो राज्य में विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब कई छात्रों ने दावा किया कि आरआरबी भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियां थी। आरआरबी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों में यानी कि एनटीपीसी के लिए दो कंप्यूटर आधारित परीक्षण यानी कि सीबीटी आयोजित करने के सरकार के फैसले ने राज्य भर में हजारों छात्रों को परेशान किया है जो एक ही परीक्षा चाहते हैं। ग्रुप डी नौकरियों के लिए सीबीटी फर्स्ट के परिणाम 14 जनवरी को जारी किए गए थे, जिसमें सीबीटी द्वितीय के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया था कि भर्ती के लिए इस मानदंड को आवेदकों को आमंत्रित करने वाले प्रारंभिक आरआरबी नोटिस में स्पष्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि नोटिस में केवल एक परीक्षा की बात कही गई है। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी कि एनटीपीसी परीक्षा के परिणाम को लेकर चौथे दिन अभ्यर्थियों का हंगामा थमा रहा और गुरुवार को ट्रेन का परिचालन सामान्य रहा। अभ्यर्थियों ने रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन का स्वागत किया। वहीं रिजल्ट के विरोध में आईसा, AISF, NSUI, एनोसा, छात्र राजद, AIDASO सहित एक दर्जन से अधिक छात्र संगठनों ने शुक्रवार को बिहार बंद का आह्वान किया। बंद के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दल भी आ गए हैं। शुक्रवार को बंद के दौरान राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा एवं माकपा के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर सक्रिय भागीदारी निभाते हुए भी नजर आए। वहीं महागठबंधन ने चेतावनी भी दी कि अगर बंद के दौरान कोई घटना दुर्घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हमने छात्रों के बंद को नैतिक समर्थन दिया है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP ने भी बंद का समर्थन कर रही है। बहरहाल आपको बता दें, छात्रों को उग्र आंदोलन के लिए भड़काने के आरोप में खान सर, एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर और गोपाल वर्मा सर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। FIR में पुलिस ने नाम दिए बगैर बाजार समिति में संचालित कई कोचिंग संचालकों को भी प्राथमिकी में अभियुक्त बनाया है। वहीं पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह व SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गुरुवार को राजधानी के कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। DM ने कहा कि किसी निर्दोष शिक्षक को डरने की जरूरत नहीं है, निर्भय होकर शिक्षक अपना पक्ष रखें, कानून को हाथ में लेने, जनजीवन को प्रभावित करने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने में संस्था, भीड़ या अन्य कोई भी होंगे तो उनके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।